Assalamu alaikum students. I do hope that you people are fine and enjoying good health. I, Professor Muhammad Oman Faisal, welcome you people on this platform of Learn and Enjoy. So students, आज जो हम करने जा रहे हैं वो subject of agreement जिसके आपने part one, part two दो lectures लिए थे, आज हम उसकी exercise discuss करने जा रहे हैं. मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इसकी exercise खुद solve की होगी जो आपको notes provide किए थे और आप उसको जो है वो आप उसके मांग रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि correct answers क्या हैं. तो ये आपके पास करेक्ट आंसर्स के आए चाहते हैं. तो स्टूडेंट्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस का आगाज करते हैं जी. एनी एंड हर ब्रदर्स, देखो एनी एंड हर ब्रदर्स ज्यादा लोग हो गए. एनी एंड ज्वाइन करेगा जाहिर है प्लस हो रहा है, तो हमें जो पुट करना है वो आर ही को पुट करना है. आइदर माय मदर और माय फादर, जब आइदर और या इधर और भी प्रोनाउंस किया जाता है. व्हेन दे ज्वाइन टू सब्जेक्ट्स द वर्ब इज अकॉर्डिंग टू द nearest to the verb. तो verb के nearest father है, तो father के accordingly हमें is जो है वो put करना चाहिए. The dog or the cats. और भी जब दो subjects को join करता है तो जो verb के nearest है, तो cats है जी nearest, तो cats के accordingly हमें जो है वो are put करना चाहिए. तो are would be our definitely our answer. Either my shoes or your coat. तो my shoes or your coat, तो हम either or भी दो subjects को join करें तो second या सेकंड ना हम कहें बल्कि बेटर है हम कहें जो वर्ब के नियरेस्ट है. सेकंड आपको धोखा दे सकता है बात, तो जो वर्ब के नियरेस्ट है उसको देखें. तो वर्ब के नियरेस्ट कोट है, तो कोट सिंगुलर है, तो हमें इज ही लगाना है. तो आर हम नहीं लगा पाएंगे क्योंकि आर जो है वो प्लूरल है और वर्ब के करीब तीन कोट है, तो कोट इज लगाना पड़ेगा. हम शूज को देखेंगे नहीं. जॉर्ज एंड टमारा एंड जोड़ा है, दो बन रहे हैं, तो हमें डोंट लगाना है, डजंट नहीं लगाना. डजंट तो हम तब लगाएंगे ऐसे इसका इजाफा वर्ब के साथ तब करते हैं जब सब्जेक्ट एक हो, सिंगुलर हो, वरना वर्ब के साथ ऐसे इसका इजाफा नहीं हो सकता. निशा एक लड़की है जी, तो देखो हम वर्ब के साथ ऐसे इसका इजाफा अपना कर रहे होंगे, तो हम यहाँ जो है वो लाजमी तौर पर जो है वो डजंट लगाएंगे. ठीक हो गया जी. वन ऑफ माई सिस्टर, चूंकि वन आ गया है तो वन ऑफ माई सिस्टर इज गोइंग ऑन अ ट्रिप टू फ्रांस. नेक्स्ट आते द मैन विद ऑल द बर्ड्स, तो जब विद दो सब्जेक्ट को जोड़े, विद अलोंग विद एज वेल एज accompanied by not save except but, तो आप फर्स्ट सब्जेक्ट के मुताबिक लगाते हैं. तो फर्स्ट जब सब्जेक्ट मैन एक है तो लिव्स लगाना था जी आपने, तो लिव्स आपका आंसर है. द प्लेयर एज वेल एज, देखो एज वेल एज ने जोड़ दिया, पहला सब्जेक्ट पकड़ना है. तो एज वेल एज को देखे, पहला सब्जेक्ट प्लेयर्स है, तो प्लेयर चूंकि प्लूरल है तो वर्ब के साथ ऐसी इसका इजाफा नहीं होगा. ईदर ऑफ द टू आंसर, ईदर का मतलब होता है दो में से कोई एक, और जब मीनिंग ही एज का है तो हमें इज ही पुट करना है. Every one of those books. So every one of those books. तो books आ चुका है तो हमें plural लग रहा था, लेकिन चूंकि every one आ गया है तो उन सारी किताबों में से हर एक, तो एक की वजह से fiction का meaning देंगे. Every one ये हो गया जी. Nobody. Nobody भी singular meaning देता है, एक बंदा भी नहीं, तो हमें singular है तो verb भी singular, ऐसी इसका इजाफा करना पड़ेगा. Is the news on at 5 or 6? तो जो news होता है ना बच्चे, ये नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और साउथ से मिलकर एक वर्ड बनता है. न्यूज एक खबर ही होती है, तो इज द न्यूज ट्रू, हम कभी ना कहते न्यू, तो कहते नहीं ना ये, तो एक खबर को न्यू कहना, बाकी को न्यूज कहना ज्यादा को. न्यूज ही एक सिंगुलर वर्ड है, अगर ज्यादा हो तो हम पीसीज ऑफ न्यूज कह रहे होते हैं, याद रखिएगा, पीसीज ऑफ न्यूज, न्यूजेज कभी भी नहीं कहना. मैथमेटिक्स जॉन्स फेवरेट सब्जेक्ट, तो देखो मैथमेटिक्स अब जॉन का एक सब्जेक्ट है, तो है तो एक सब्जेक्ट ना, तो इज जॉन्स फेवरेट सब्जेक्ट आना. The Prime Minister together with his wife. Together with, जब दो subject को जब with जोड़े तो पहला देखना होता है. हम wife के मुताबिक नहीं, सिर्फ Prime Minister के मुताबिक. Prime Minister एक है, singular है, तो verb के साथ ऐसे इसका इजाफा करेंगे. Greats answer आएगा. $8 हैं, तो ज्यादा दिल तो करेगा आर लगाने को, लेकिन is the price of a movie these days? Is, क्योंकि वो एक price बन गई है. Is the price, वो एक कीमत बन गया. $8 total कोई plural चीज नहीं रही, वो एक कीमत बन गई है. $8 is the price. अच्छा, अगर मैं $8 लगा दूं तो $8 have been spent, $8 खर्च दिए गए हैं. अब उसको एक price, एक amount में convert नहीं किया, तो आप R लगाएं. Next आते हैं, their dash was या were 15 candies in the bag. तो there were, here there का जो subject है वो verb के बाद होता है, तो verb के बाद चूंकि 15 candies plural है, तो हम were जो है वो fit कर रहे होंगे. The committee dash these questions carefully. तो कमेटी जो है questions के ऊपर बातचीत कर रही है, सवाल कर रही है, तो हमें debate लगाना है. याद रखिएगा, ये हम noun के topic में जाके पढ़ेंगे, थोड़ा सा noun का touch दे रहा हूँ.
आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सिर्फ नाउन ही हो सकता है, इसलिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में नाउन जरूर आता है। तो जल्दी करेक्शन में नाउन का टॉपिक भी आएगा, अभी तो हमने करेक्शन का एक टॉपिक पढ़ा है। तो आप देखेंगे कि जब कलेक्टिव नाउन, देखो कमेटी कलेक्टिव नाउन है, आर्मी कलेक्टिव नाउन है, फैकल्टी कलेक्टिव नाउन है, टीम कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन होता है जिसमें ज्यादा मेंबर्स मिलकर एक यूनिट बन जाए। अगर तो वो यूनिट एक ग्रुप के तौर पर एक ही काम कर रहा है, मुतफिक है, तो आप सिंगुलर दें, मतलब वर्ब के साथ एसेंस का इजाफा करें, इज लगाएं। लेकिन अगर आपस में डिवाइडेड की सेंस आ रही है, कुछ तकरार की सेंस आ रही है, तो आप प्लूरल दें। तो कमेटी जब सवालों पर डिबेट करती है तो जाहिर है डिबेट करते हुए, डिबेट का मतलब क्या है, बहस, कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा, तो प्लूरल वर्ब आना हमारा ये चाहिए, क्योंकि वो आप मुतफिक नहीं होंगे, जाहिर कोई कुछ कह रहा होगा कुछ कह रहा होगा। द कमेटी डैश वेरी डिफरेंट लाइव्स इन प्राइवेट, तो द कमेटी आपका जो आंसर आना है लीड। गौर करें यहाँ भी कमेटी डिफरेंट लाइव्स गुजार रही है, मतलब कोई कमेटी का बंदा किसी तरह का है, कोई किसी तरह की जिंदगी गुजार रहा है, कोई पोश रह रहा है, कोई मिडिल क्लास रह रहा है। तो लीड एसेंस का इजाफा नहीं करेंगे, सिंगुलर नहीं लेंगे, प्लूरल लेंगे अब कमेटी को। ये बड़ी डिटेल में जब कलेक्टिव नाउन्स पढ़ेंगे ना नाउन के टॉपिक में, तब आपको ज्यादा डिटेल से आएगा। ऑल द सीडीज इवन द स्क्रैच्ड वन आर इन दिस केस। देखो असल में ऑल द सीडीज आर इन दिस केस है, इवन द स्क्रैच्ड वन उसके साथ इंक्लूड हुई है, सिर्फ एक सीडीज नहीं है, ज्यादा है। इन दिस केस आपका प्रेडिकेट, तो प्रेडिकेट बता रहा है कि एक की सीडी नहीं है, सारी सीडीज हैं, तो आ रहा है। द मूवी इंक्लूडिंग विद ऑल द प्रीव्यूज, तो इंक्लूडिंग या इंक्लूडेड या विद वगैरह जब जोड़ते हैं तो सिर्फ पहला सब्जेक्ट देखा जाता है, तो पहले सब्जेक्ट मूवी को देखकर हम टेक्स लगाएंगे, सिंगुलर है मूवीज नहीं, मूवी है तो एसईएस का इजाफा होगा। नेक्स्ट इस क्वेश्चन पर आते हैं, फॉरन ट्रेड, अब फॉरन ट्रेड हैव तो नहीं आ सकता, ये एंट्रेंस टेस्ट में आया हुआ एक जुमला भी है, 2011 के एंट्रेंस टेस्ट में था। तो फॉरन ट्रेड हैव नहीं आना, फॉरन ट्रेड जाहिर है सिंगुलर है, ट्रेड है, ट्रेड्स नहीं है, या इज आना या हैज आना है। तो डेल्टा भी गलत है, देखो हैव ये गलत हुआ, मैं क्रॉस कर देता हूँ जहाँ गलती मौजूद है जी। तो एक तो हैव नहीं आना, एक शेल अस्यूम, देखो विल शेल कैन वगैरह के बाद इनको हम मॉडल वर्ब्स कहते हैं, चलो वैसे कह देता हूँ, विल शेल कैन मे वगैरह के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, सेकेंड थर्ड फॉर्म नहीं आ सकती। अब इज अस्यूम्ड या हैज अस्यूम्ड में से कोई चीज लगानी, अक्सर इसको भी ना अस्यूम्ड पढ़ा जाता है, ज़ा साउंड अस्यूम्ड, बट इट्स अस्यूम्ड। जब भी डबल एस आ जाए ना तो यूजली सा साउंड ही होती है, सा साउंड, ठीक है, जब भी डबल एस आ जाए किसी वर्ड में, ठीक है। तो फॉरन ट्रेड इज अस्यूम्ड ग्रेटर इंपॉर्टेंस के ये हैज अस्यूम्ड, देखो हैज अस्यूम्ड, हमें एक्टिव वॉइस चाहिए, मतलब फॉरन ट्रेड ने काफी ज्यादा अहमियत हासिल कर ली है, इन हालत में खुद हासिल की है। इज अस्यूम्ड क्यों नहीं लगा पाए, ये पैसिव वॉइस था, इज एम आर के बाद एक्टिव वॉइस में सिर्फ आई एन जी की फॉर्म आ सकती है, आई एम टीचिंग, यू ही इज प्लेइंग, ही इज टीचिंग, ही इज लिसनिंग, तो वो कर रहा है। लेकिन अगर इज एम आर के बाद थर्ड फॉर्म आए तो जुमला पैसिव वॉइस हो जाता है। तो फॉरन ट्रेड इज अस्यूम्ड का मतलब है कि फॉरन ट्रेड को अस्यूम किया जाता है, वो मीनिंग ही नहीं बन पा रहा कि फॉरन ट्रेड को अस्यूम किया जाता है, ग्रेटर इंपॉर्टेंस, बहुत ज्यादा अहमियत। यहाँ तो लगाते हैं फॉरेन ट्रेड इज अस्यूम्ड ऑफ ग्रेटर इंपॉर्टेंस, बड़ी अहमियत की हामिल, तो फिर तो हम लगाते भी, वरना बीटा अपनी कंस्ट्रक्शन में ही गलत है। तो चार्ली ही हमारा ठीक था। वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मिडिल ईस्टर्न न्यूज़पेपर्स द पिरामिड्स, पेपर तो एक ही है ना, बेशक नाम उसका पिरामिड्स है पर पेपर तो एक है ना, तो पिरामिड्स हमें वॉज ही लगाना है जी, हमें वर नहीं लगाना, तो ये वर वाला गलत हुआ, पर वॉज वाला भी सोचेंगे क्या करना है। अब ये भी वर वाला था, ये भी गलत हुआ, जो एक गलती है कि इसको छोड़ दें, बाकी उसमें और गलतियां भी होंगी। तो वन ऑफ द मोस्ट इंफ्लुएंशियल मिडिल ईस्टर्न न्यूज़पेपर्स द पिरामिड्स वाज एस्टैब्लिश्ड, या चार्ली ले लें एस्टैब्लिश्ड इन इजिप्ट। अब जो न्यूज़पेपर है वो खुद एस्टैब्लिश होता है कि किया जाता है, एक्टिव वॉइस में याद रखिएगा वो काम करता है, मतलब जैसे असलम किल्ड अकरम, असलम ने कत्ल किया, लेकिन अगर असलम वॉज किल्ड आता तो असलम कत्ल हुआ है, अब सब्जेक्ट पर काम हुआ, असलम सब्जेक्ट था, असलम वॉज किल्ड, काम सब्जेक्ट पर हो गया, अब सब्जेक्ट ने काम नहीं किया। पिरामिड्स ने एस्टैब्लिश किया कि पिरामिड्स जो न्यूज़पेपर था एस्टैब्लिश हुआ, इसका मतलब आपको पता है पिरामिड्स एस्टैब्लिश हुआ, अखबार खुद तो नहीं बनाता, अखबार बनाया जाता है, एस्टैब्लिश किया जाता है, तो इसका तो जुमला पैसिव वॉइस चाहिए था, तो हमारा वॉज एस्टैब्लिश्ड आंसर है। अगर मैं एस्टैब्लिश लगाता सेकंड फॉर्म तो वो एक्टिव वॉइस था, जैसे असलम किल्ड, सेकंड फॉर्म है ना किल्ड, तो असलम किल्ड एक्टिव वॉइस था, असलम ने काम किया, सब्जेक्ट ने काम किया, लेकिन असलम वॉज किल्ड तो असलम पर काम हुआ है, तो पिरामिड्स वाज एस्टैब्लिश्ड, तो पिरामिड्स जो अखबार था वो एस्टैब्लिश हुआ, और वाज लगाना है रिक्यूजिंग के, ये एक अखबार का नाम है, नाम बेशक उसका प्लूरल है, आप ये तो नहीं कहेंगे अवैस आर कहते रहे कि नाम अवैस के एंड पर ऐसा आ गया तो आर लगा दें, पिरामिड्स एक अखबार का नेम है, तो एक अखबार है, तो आना सिंगुलर ही था और पैसिव वॉइस था ये जुमला,
एक्टिव पैसिव जल्द आने वाले हैं जी इंशाल्लाह आगे आपके, जो कि आपको करेक्शन में बहुत बेहतर करेंगे। ये बहुत मजे का है जी जो आपका है, इन द वर्ल्ड द नंबर ऑफ पीपल, द नंबर ऑफ सिंगल होता है ना, तो द नंबर ऑफ पीपल्स नहीं हो सकता, ये इसमें गलती है। तो द नंबर ऑफ सिंगुलर होता है तो आर गलत है, ठीक हो गया जी। अब इन दोनों में इज भी ठीक था, ये भी इज ठीक था, ये भी इज ठीक था, अब हमें कोई और फर्क ढूंढना। देखो छोटी छोटी बातों पर हम जुमले रिजेक्ट कर रहे हैं। द नंबर ऑफ पीपल इज रैपिड इंक्रीजिंग, नहीं रैपिडली इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग वर्ब है, आप सीखेंगे जाके कि वर्ब के मीनिंग में एडवर्ब इजाफा करता है, ठीक है। देखो हमने एक तो इज ढूंढ लिया, इज की बेस पर बी और डी तो मिल गया, अब एडवर्ब की बेस पर हमें मिला कि कौन सा आता है, रैपिड एडजेक्टिव है, रैपिडली, एल वाई वाले यूजुअली एडवर्ब होते हैं पर कुछ एडजेक्टिव भी होते हैं, सीखेंगे जाके। रैपिडली इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग वर्ब था तो वर्ब को याद रखेगा एडवर्ब। देखो एडवर्ब की शक्ल में क्या है, एडवर्ब जो वर्ब की मीनिंग में इजाफा करे, तो आपका डेल्टा करेक्ट आंसर था। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, इफ यू वांट टू गेट रजिस्टर्ड, एंड हमारे पास बहुत कम सीट्स हैं अवेलेबल, बहुत जल्द हम रजिस्ट्रेशन ऑफ करने वाले हैं, रोज माशाल्लाह रजिस्ट्रेशन आई जा रही है। तो यू कैन कॉन्टेक्ट रिजवान साहब टू गेट योरसेल्फ एज रजिस्टर्ड स्टूडेंट, क्योंकि बहुत जल्द हम टेस्टिंग शुरू करने वाले हैं प्रॉपरली, और टेस्टिंग वगैरह के बगैर ज़ाहिर चीज़ें सेट नहीं होती, तो वो आपकी उसके बगैर नहीं हो पाएगी। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।